मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो उनके भाई भरत रामचंद्र जी को मिलने आए, है ना, अयोध्या कांड, भरत राम संवाद। और ये जो भरत राम संवाद है ना, ये सभी कहानियों में है, सब कथाओं, दक्षिण की भी राम कथा में है, उत्तर की भी में भी है, मध्य भारत में भी है, पश्चिम में भी है, हर रामायण में है, हर रामचरितमानस में, रघुवंशम में है, कालिदास ने लिखा, सब ने लिखा है भरत राम संवाद। भरत राम को मनाने आए हैं कि आप चलो वापस, पिताजी का हो गया है स्वर्गवास, मैं बनना नहीं चाहता, मुझे जबरदस्ती बना दिया गया है, आप चलो। तो राम को जब भरत मिलने आए हैं तो रामचंद्र जी ने भरत से कुछ प्रश्न पूछे और ये प्रश्न राम राज्य की पूरी परिभाषा तय करते हैं। राम जो भरत से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम आए हो बहुत अच्छा है, पिताजी की मृत्यु का समाचार लाए हो ये दुखद है, लेकिन ये बताओ कि जिस राज्य को तुम चला रहे हो, जिसका अधिपति तुम कहते हो मैं हूं और तुम अपने को प्रतिनिधि मात्र मानते हो, तो उस राज्य का हाल कैसा है जरा बताओ तो सही। मैं जैसा छोड़कर आया था वैसा ही है, या कुछ गिरावट आई है, या कुछ बेहतर हुआ है। तो भरत से जो सबसे पहला प्रश्न पूछा है राम ने, कि क्या तुम राज्य के सभी पुरोहितों को, सभी गुरुओं को और सभी आचार्यों को उतना ही सम्मान देते हो जितना मैं देता था। पहला प्रश्न, क्या तुम अपने राज्य के सभी पुरोहितों को, आचार्यों को और विद्वान लोगों को उतना ही सम्मान देते हो जितना मैं देता हूं? अगर हां तो तुम राम राज्य चला रहे हो, और अगर ना तो तुमको ठीक करने की आवश्यकता है। तो भरत कहते हैं कि हां, मैं उतना ही सम्मान देता हूं जितना आप देते थे। अब इसका महत्व समझिए, राम कह रहे हैं भरत को समझाते हुए कि जिस राज्य के पुरोहित, जिस राज्य के विद्वान और जिस राज्य के आचार्य राजा के द्वारा सम्मानित नहीं होते, वो राज्य कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता, वो डूब जाता है। ये बहुत महत्व की बात है। तो भरत को कह रहे हैं कि राम राज्य का पहला सूत्र ये है, पुरोहितों का सम्मान, आचार्यों का सम्मान और विद्वानों का सम्मान। अब कंभ रामायण में ये विस्तार से है, कंभ रामायण में भरत राम को प्रश्न कर रहे हैं कि आचार्यों का सम्मान मैं समझ गया, विद्वानों का सम्मान भी मैं समझ गया, लेकिन पुरोहितों का क्यों? पुरोहित माने पूजा कराने वाले कर्मकांडी लोग, इनका सम्मान क्यों? तो राम समझा रहे हैं भरत को, और ये बहुत गहरी बात है। वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो पुरोहित हैं, ये राज्य के नागरिकों के जिंदा रहने के आधार हैं। तो भरत के समझ में नहीं आ रहा कैसे। तो राम समझा रहे हैं कि देखो, कोई पुरोहित है पूजा करवाता है, तो जो पूजा करवाने वाला है पुरोहित और जिनके यहां पूजा हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, यजमान। तो जिसके यहां पूजा हो रही है, यजमान को पुरोहित कुछ कहता है कि भाई पूजा होगी तो 5 घड़े ले आना, 10 सकोरे ले आना, 50 कुल्लड़ ले आना, 10 मीटर नया कपड़ा ले आना, 10 किलो घी ले आना, हवन सामग्री ले आना, ये हाथ में बांधने वाला धागा ले आना, ऐसे 100-200 सामान की लिस्ट बना देता है। तो भरत कह रहे हैं हाँ। तो राम कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, ये पुरोहित कारीगरों का मार्केटिंग मैनेजर है, है कि नहीं? पुरोहित अपने लिए कुछ नहीं मंगा रहा है, कह रहा है 10 घड़े ले आना, घड़े आएंगे तो कुमार को काम मिलेगा, कुल्लड़ आएंगे तो कुमार को काम मिलेगा, नया कपड़ा आएगा तो बुनकर को काम मिलेगा, हाथ पे बांधने वाला धागा आएगा तो सूत काटने वाले को काम मिलेगा, घी आएगा तो ग्वालों को काम मिलेगा, हवन सामग्री आएगी तो उनको काम मिलेगा। तो राम कह रहे हैं कि जो काम दे रहा है वो सम्मान के पात्र का है। और राम कह रहे हैं कि अगर ये पुरोहित ना रहे तो अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने की ताकत इन पुरोहितों में है, नहीं तो ये पुरोहित ऐसे भी पूजा करा सकते हैं कुछ मत लाना,
बैठ जाना आके, मैं मंत्र पढ़ दूंगा काम खत्म हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। और बता देंगे कि भाई गढ़ गढ़ में भगवान है, ये सब लाने की क्या जरूरत है, लेकिन ये सब पुरोहित मंगवाता है ताकि बनाने वाले का माल बिके, ताकि नया माल बनाने की प्रेरणा मिले, ताकि मार्केट चलता रहे और इकोनॉमी चलती रहे। दूर दृष्टि देखिए राम की। तो कह रहे हैं कि पुरोहितों का सम्मान बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को चलाने के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। तब भरत के समझ में आया, उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा पुरोहितों का सम्मान। दूसरा प्रश्न वो कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में जो सेना है, वो सेना के जो सैनिक हैं, उन सैनिकों में जब मैं आया था छोड़कर अयोध्या, तो पगार पर काम करने वाले बहुत कम थे, भावना से काम करने वाले ज्यादा थे, अब क्या स्थिति? तो भरत कहते हैं कि मेरी कोशिश है कि पगार पर काम करने वाले सैनिक अभी भी कम रहे, लेकिन मेरी मजबूरी है, वो मेरी बात सुनते नहीं है। तो राम कहते हैं कि तुम आदर्श राजा नहीं हो। जो राजा अपने सैनिकों में भाव नहीं भर सकता, युद्ध के लिए तैयार नहीं कर सकता, वो आदर्श नहीं है। तुम्हारी कमजोरी है, उसको ठीक करो। सैनिक ऐसे रखो जो बिना पगार के हो लेकिन भावना से देश के लिए लड़े। पगार वाले थोड़े बहुत रखो, ज्यादा नहीं। आज की भारत की सेना बिल्कुल उल्टा है, भावना वाला लड़ने वाला कोई नहीं। राम का राज्य अभी नहीं है इस देश में। तीसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य के जो मंत्री हैं और तुम्हारे महामाते हैं, अमाते हैं, महामाते हैं, ये सब तुम्हारे विश्वास पात्र हैं? तुम इन पर भरोसा करते हो और ये तुम पर भरोसा करते हैं? अगर हां तो राज्य अच्छा है, ना तो राज्य ठीक नहीं। आज के भारत में देखो, मंत्री प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रियों पर भरोसा करते हैं। क्या हालत है दिल्ली की और क्या हालत है राज्यों की? राम जैसा राज्य कहते हैं वैसा नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि तुम्हारे राज्य में जो भी अधिकारी काम करते हैं, उन अधिकारियों को अगर वेतन पर रखा हुआ है तो क्या समय से उनको वेतन मिलता है या दिन देरी होती है? तो भरत कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहते हैं नहीं, अधिकारियों को अगर वेतन पर रखा है तो समय से उनका वेतन देना, या तो उनको कह देना कि आप बिना वेतन के काम करो, ये नहीं कि वेतन देने का दिन आज है और आप 20 दिन बाद दे रहे हैं, तो उन अधिकारियों की वफादारी डिगते देर नहीं लगेगी और तुम्हारा राज्य डूबते देर नहीं लगेगी। तो ये हम सबके लिए सूत्र है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, उनके लिए भी ये सूत्र है कि क्या वो अपने काम करने वाले कर्मचारियों को समय से वेतन दे देते हैं। राम इसके पक्षधर है कि जो वेतन का दिन है उसी दिन मिल जाना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न वो कर रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में तुम माने राजा सुबह उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में, प्रजा के बीच में जाते हो, उनका दुख दर्द रोज जानते हो, या महल में सोते रहते हो, कभी हफ्ते में एक दिन जाते हो? तो भरत कह रहे हैं कि आपकी परंपरा को जीवित रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, रोज ब्रह्म मुहूर्त में जाता हूं, कभी कभी प्रमाद आ जाता है, आलस्य भी आ जाता है तो नहीं जा पाता हूं। तो राम कहते हैं कि यही प्रमाद राज्य को डुबा सकता है, इसलिए राजा को बहुत आवश्यक है कि हर दिन प्रजा के बीच में जाए और उसके दुख दर्दों का हालचाल ले। आज का भारत, कौन सा प्रधानमंत्री आता है आपके दुख दर्द पूछने के लिए? और गलती से जो कभी आ गया तो कौन सा अधिकारी आपको प्रधानमंत्री के पास जाने देता है अपना दुख दर्द सुनाने के लिए? ये राम का राज्य नहीं है। फिर राम कहते हैं कि तुम एक व्यक्ति से सलाह लेते हो या अनेक से? तो भरत कहते हैं कि मैं कभी कभी अनेक से ले लेता हूं। तो राम कहते हैं ये बहुत खराब है, सलाह हमेशा एक से ही लेना, माने एडवाइजर एक को ही रखना। आज हमारी सरकार के 20 एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, डिफेंस एडवाइजर, फिस्कल एडवाइजर, पता नहीं कहां कहां के एडवाइजर। और एडवाइजर कैसे हैं वो आगे के प्रश्न में। राम कहते हैं कि जिस व्यक्ति से तुम सलाह लेते हो
उसकी आर्थिक जीविका तुम्हारे से चलती है? अगर हाँ तो वो बहुत खतरनाक, माने जिस व्यक्ति से तुम सलाह ले रहे हो अगर वो तुम्हारी पगार पे रखा हुआ है तो वो तो खतरनाक है, वो तुमको वही सलाह देगा जो तुमको अच्छी लगेगी। तो सलाह उसी से लो जिसकी जीविका तुमसे नहीं चलती हो, जो स्वयं में स्वतंत्र हो। आज के हमारे एडवाइजर सब पगार पे काम करते हैं तो सब वही सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री को अच्छी लगती है, चाहे वो देश को खड्डे में गिराने वाली ही क्यों ना हो। फिर राम आगे प्रश्न करते हैं कि जब तुम कोई योजना बनाते हो विकास की तो तत्काल शुरू होती है या उसमें समय लगता है? तो भरत कहते हैं कुछ जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ में समय लगता है। तो राम कहते हैं कि विकास की योजना तत्काल शुरू होनी चाहिए, जो उसमें समय लगा तो विकास हुआ ही नहीं। आज हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं जो 10 वर्ष के बाद शुरू होती हैं और 20 साल होते होते अधूरी रहती है, पूरी तो कभी भी नहीं। फिर राम पूछते हैं कि तुम्हारे राज्य में कोई जानकारी लीक तो नहीं हो जाती, दुश्मन के हाथ में तो नहीं पहुंच जाती? तो भरत कहते हैं नहीं, आज के समय में हमारी गंभीर से गंभीर जानकारियां पाकिस्तान के हाथ पहुंच रही है। अभी तो डिफेंस मिनिस्ट्री का हार्ड डिस्क गायब हो गया है 2 महीने पहले, जिसके लिए भयंकर मारामारी चल रही है। इतनी सिंसियर और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हाथ में पहुंच रही। फिर राम भरत से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहां नीति क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी, माने तुम गुणवत्ता में विश्वास करते हो या ज्यादा लोगों की भीड़ में? अगर गुणवत्ता है तो भीड़ की चिंता नहीं करना। आज के हमारे यहां भारत में हमारे यहां क्वालिटी नहीं है, अब तो भीड़ है, और भीड़ इतनी भयंकर, जो अब रिजर्वेशन का सवाल है ना, ये क्वालिटी को तो बिल्कुल खत्म करने वाला और भीड़ को बढ़ाने वाला। फिर राम पूछ रहे हैं भरत से कि तुम्हारे राज्य में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? तो भरत कहते हैं कि स्पष्ट करिए। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कुल खर्चा है उसका 1%, 2% या 3% के ऊपर? तो भरत कहते हैं 3% से कम ही है। तो राम कहते हैं और कम करो, ये भ्रष्टाचार अच्छा नहीं है। अब आज के भारत में सरकार के कुल खर्चे का भ्रष्टाचार कितना है जानते हैं? 77%, खुद सरकार कहती है। सरकार का कुल खर्चा है ना, उसका 77% करप्शन में जाता है इस देश में। और राजीव गांधी तो और भी विचित्र बोल गए थे, वो कहते थे जब मैं 1 रुपया देता हूं तो 15 पैसे ही खर्च होता, माने 85% भ्रष्टाचार में जाता, माने 85%। और रामचंद्र जी 1-2% की बात कर रहे हैं, कहते 3% के ऊपर है तो खतरनाक, और यहां 85%। फिर राम पूछ रहे हैं कि तुम तुम्हारे राज्य में जो गुनाह करने वाले हैं दंड देते हो उनको, तो दंड कैसा है? तो भरत कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, आप बताओ कैसा दूं। तो राम उसको समझाते हैं भरत को कि देखो दंड बहुत कठोर होना चाहिए लेकिन मानवीय तरीके से दिया गया होना चाहिए, कठोर होना चाहिए लेकिन तरीका मानवीय होना चाहिए, ताकि कठोर दंड इसलिए कि दूसरे को वो शिक्षा दे कि मैं गलती करूंगा तो इतना ही कठोर दंड मुझे होगा, लेकिन मानवीय हो, अमानवीय ना हो। मानवीयता का ध्यान है राम को, दंड भी देना है मानवीयता के साथ देना, ऐसे नहीं जैसे कोड़े मार रहे हैं अंग्रेजों की तरह से, उसमें मानवीयता नहीं। फिर राम पूछ रहे हैं कि तुम प्रजा से सुझाव मांगते हो कि नहीं, राज्य के लिए देश के लिए, या अपनी अपनी चलाते हो? तो भरत पूछ रहे हैं क्यों, तो राम कह रहे हैं कि अगर प्रजा के सुझावों पर तुम काम करोगे तो प्रजातंत्र स्थापित होगा, तुम अपनी अपनी चलाओगे ये तो अधिनायकवाद हो गया, हमें प्रजातंत्र लाना है, अधिनायकवाद नहीं लाना। फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य की सेना में जितने सैनिक हैं उनके पास जो संसाधन है, जैसे हाथी है, घोड़ा है, अस्त्र है, शस्त्र है, ये सब वेल मेंटेन्ड है कि नहीं, हमेशा तैयार है कि नहीं? अगर है तो राज्य सुरक्षित है। फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे देश के लोगों की सुरक्षा कैसी है,
लोग निर्भय होके जिंदा रहते हैं या हर समय मन में भय रहता है कि अभी चोरी हो जाएगी, अभी डकैती हो जाएगी, कोई मर्डर कर देगा? अगर लोग निर्भय हैं तो राम राज्य है, नहीं तो नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे देश में पानी की व्यवस्था कैसी है, इतना माइक्रो प्रश्न पूछ रहे राम, पानी की व्यवस्था कैसी है? सबको मिलता है, खेतों को मिलता है, पीने को मिलता है, या कमी है? अगर कमी है तो पूर्ति करो। आज हिंदुस्तान में पानी की व्यवस्था कैसी है? 6,32,000 गांव हैं, जिनमें से 3,00,000 गांव को कभी भी पीने का पानी नहीं मिलता, और भारत का कोई प्रधानमंत्री राम की इस नीति को याद नहीं करता कि सबको पानी मिलना चाहिए। फिर राम पूछ रहे हैं कि धान्य के भंडार भरे हैं, खाली तो नहीं है? गेहूं, चावल, चना, दाल सब भरा हुआ है कि नहीं, खाली तो नहीं है? और आज हिंदुस्तान के धान्य के भंडार, जब भी समस्या हो तो अमेरिका से गेहूं मांगने पहुंच जाते हैं, कभी समस्या हो तो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मांगने पहुंच जाते हैं। इतना गेहूं उत्पादन करने के बाद भी अभी पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा है, अमेरिका से गेहूं खरीदा है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में जो पुरोहित पैसे के लिए पूजा कराते हैं वो तुम्हारे दल में तो नहीं है? पैसे के लिए पूजा कराते हैं वो तुम्हारे दल में तो नहीं है? तुम्हारे दल में ऐसे पुरोहित होने चाहिए जिनको पैसे से कुछ लेना देना नहीं, माने पैसे के लिए जो पूजा करेगा वो पुरोहित नहीं है। ये राम की परिभाषा है। पैसे के लिए राम कथा कहेगा वो राम का प्रिय होगा। राम खुद भरत को कह रहे हैं कि जो पुरोहित पैसे के लिए तुम्हारे यहां पूजा कराता है वो तुम्हारे राज्य का भला नहीं करेगा, तुम्हारा भी नहीं करेगा। और आज राम की कथा कहने वालों में कितने हैं जो बिना पैसे कथा कहते हैं? राम खुद यही कहते हैं। फिर राम कहते हैं, इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ब्राह्मण और पुरोहित जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो उनको राज्य से निकाला दो, माने बहिष्कार कर दो, सीमा के बाहर छोड़ दो, वो खतरनाक है। और उसको भी आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण और पुरोहित पैसे के लिए काम करते हैं अगर तुमने उनको निकाला नहीं दिया तो एक दिन यही तुमको निकाला दे देंगे और राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाए। फिर आगे का बहुत अच्छा एक प्रश्न वो करते हैं कि देखो राजा में क्या गुण होने चाहिए, आदर्श राजा की परिभाषा उन्होंने दी है। तो वो कहते हैं कि राजा में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखे, माने आस्तिक हो, नास्तिक ना हो। तो भरत कहते हैं क्यों? तो वो कहते हैं कि ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है, उस दुनिया का एक हिस्सा वो राजा चलाता है, तो राजा का राजा वो भगवान हुआ, अगर उसी पर भरोसा नहीं है तो ये राजा राज्य कैसे चलाएगा? इसलिए भगवान पर भरोसा करने वाला ही राजा होना चाहिए, नास्तिक को राजा होने का अधिकार नहीं है। दूसरी कि जो राजा हो तो हमेशा ऐसा जो प्रजा के हित में सत्य बोलना और सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखे। तीसरा, जिसको कभी क्रोध ना आता हो और क्रोध आए तो अपने ऊपर आए, प्रजा पर क्रोध ना करे। चौथा, जिस राजा में दूर को देखने की क्षमता हो, दूरदृष्टि। पांचवा, जो राजा अपनी प्रजा के दुख दर्द को उतनी ही गहराई से महसूस करता हो जैसे वो अपने दुख दर्द महसूस करता है। फिर पांचवा, जो राजा राजकोष से एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च ना करता हो, राजकोष के एक एक पैसे को प्रजा के लिए बचाता हो। फिर आगे का कि जो अपना समय मजा और मनोरंजन करने में व्यतीत ना करता हो, धर्म की चर्चा और ज्ञान लेने में अपना समय व्यतीत करता हो, ऐसा राजा। फिर वो कहते हैं कि जो हमेशा दुश्मन से लड़ने को हर समय तैयार रहे और योजना उसके मन में पूरी रहे। फिर आगे, जो राजा कभी भी प्रजा के हित में निर्णय लेने में समय ना लगाता हो, तत्काल फैसला करता हो। फिर उसके बाद अपने ऊपर संयम रखता हो, जितेंद्रिय हो। फिर उसके बाद कि कभी भी दोपहर को सोता नहीं हो,
ये विशेष कहा है, राजा दोपहर को नहीं सो सकता, प्रजा सो सकती है। राजा को दोपहर को सोने की अनुमति रामचंद्र जी ने भी नहीं दी है। राजा को दोपहर को सोने का वर्जन है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने की है नियम, और प्रजा के बीच रोज जाना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रतिदिन अभ्यास करता हो ज्ञान के ग्रंथों का, वो वेद हो या कोई दूसरे ग्रंथ, हर समय अभ्यास करता रहे। और उसके बाद जो अपने ज्ञान को प्रजा के साथ बांटे, शेयरिंग करे, ऐसा राजा। फिर वो कहते हैं कि हमेशा अपने प्रजा की समृद्धि और राज्य की समृद्धि के लिए चिंतित रहे। और आखिरी जो वो कहते हैं कि अपनी मान्यताओं और परंपराओं से दूर ना हटे, जो माने भारत की जो मान्यता और परंपराएं हैं उन्हीं पर विश्वास करने वाला हो। ऐसे 18 गुण राम ने वर्णन किए हैं और भरत को पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें से तुम क्या पालन कर रहे हो। अगर ये 18 गुण तुम में हैं तो तुम राजा बनने के काबिल हो। तो भरत कहते हैं कि भगवान इनमें से 2-3 को छोड़कर मुझ में कोई गुण नहीं है, इसलिए कह रहा हूं आप चलो वापस। तो राम कहते हैं कि मेरे चलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, तुमको अपने गुणों को बढ़ाना होगा। मैं तो अभी 14 साल के बाद ही आऊंगा, तुमको अपने गुणों को बढ़ाना होगा। और अंत में भरत को कहते हैं कि जितने प्रश्न मैंने तुमको किए हैं इन सबको समूह में इकट्ठा करो, तब मान लो कि राम राज्य है, और अगर नहीं है तो लाने की कोशिश करो। आज के भारत के बारे में हम कल्पना करें, रामचंद्र जी की कल्पना के अनुसार राज्य नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं स्पष्ट। एक प्रश्न राम ने किया है वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें समय लगेगा, लेकिन संकेत कर लो, राम भरत से पूछ रहे हैं कि तुम जो खर्च करते हो पैसा, उसमें कितना खर्चा तुम्हारे ऊपर है और कितना प्रजा के ऊपर। तो भरत कह रहे हैं कि राज्य व्यवस्था पर 20% खर्च करता हूं और प्रजा पर 80% खर्च होता है। तो राम कहते हैं कि अपने ऊपर खर्चा और कम करो, 15% अपने ऊपर, 85% प्रजा के ऊपर। आज के बजट की स्थिति, आज के बजट की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। सरकार के ऊपर खर्च होता है 90%, प्रजा के ऊपर खर्च होता है 10%। हर साल का 5.5 लाख करोड़ का बजट है, उसमें प्रजा का विकास का खर्च 55,000 करोड़ है और सरकार चलाने का खर्च लगभग 5 लाख करोड़ है। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि प्रजा का खर्च ज्यादा हो और आज के जमाने में राजा का खर्च ज्यादा है तो प्रजा का भला कैसे होगा। तो जब तक राम राज्य नहीं आएगा प्रजा का भला नहीं होगा। तो राम राज्य कब आएगा? जब बजट का 85% प्रजा पर खर्च हो, 15% राजा पर खर्च हो, तब राम राज्य आएगा। तो आप बोलेंगे जी हम कैसे लाएं, आप सब राम जी के भगत हैं, उनका राज्य क्यों नहीं लाएंगे? नहीं तो आप राम जी के भगत कैसे हुए, जरा ये बताइए। राम ने तो पुरुषार्थ की बात की है और राम तो बार बार कह रहे हैं कि पूजा और परंपरा के आधार पर कर्मकांड, इतना ही नहीं है, राज्य को आदर्श बनाना है। भरत को कह रहे कि खाली तुम मेरी चरण पादुकाएं रख के उनकी पूजा करो और राज्य की नीतियां तुम्हारी खड्डे में जाए, इतने से नहीं चलेगा। नीतियां ठीक करो, भले मेरी चरण पादुकाओं की पूजा करो या मत करो। तो भगवान खुद कह गए हैं कि मेरी चरण पादुकाओं की पूजा करो या मत करो, लेकिन नीतियां ठीक करो राज्य की। तो हम अब सब मिलके एक प्रयास करें कि इस राज्य की नीतियों को ठीक करें। आप बोलेंगे जी कैसे ठीक होगा, आप इतना ही बोलना शुरू करिए कि देखो भगवान जी कह गए रामचंद्र जी ऐसा राज्य होना चाहिए, तो जब भी इस देश में वोट का समय आए और कोई भी नेता दरवाजे पर खड़ा हो तो कहो राम राज्य लाओगे? कहेंगे हाँ हाँ लाएंगे। तो बताओ क्या है राम राज्य, पूछो उनसे राम राज्य क्या है। मैंने बहुत नेताओं को पूछा राम राज्य क्या है, कहने लगे यार वो महात्मा गांधी की किताब में कुछ लिखा है, तो पढ़ के बताओ उसमें क्या लिखा है, किसी को मालूम नहीं। राम राज्य चिल्लाने वालों को मालूम नहीं है राम राज्य क्या, तो लाएंगे क्या। तो इसलिए मैंने आपको ये विस्तार से बताया है कि राम राज्य क्या है। अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहें तो ये राम राज्य के जितने सूत्र हैं ये कालिदास के रघुवंशम में है। कालिदास के रघुवंशम में 19 अध्याय है, उनमें से जो 12वें नंबर का अध्याय है उसमें ये पूरे प्रश्न है, 52 प्रश्न है भरत को किए हुए।
और इसका नाम है कश्चित सर्ग। कश्चित सर्ग, कश्चित माने सरल भाषा में क्या आप ये करते हैं, डू यू डू दिस अंग्रेजी में कहें। भरत को पूछ रहा क्या तुम ऐसा करते हो, इसलिए इसका नाम है कश्चित सर्ग। तो रघुवंशम का, कालिदास के रघुवंशम का कश्चित सर्ग पढ़िए। राम राज्य की सब नीतियां विस्तार से हैं और आप सब इसको लाने में लग जाइए। मुझे ऐसा भरोसा है कि आप, मैं, हम सब मिलकर राम कथा कहें सुने, लेकिन राम राज्य स्थापना के लिए